हेलो आहिल बेटा, कहाँ हो तुम? सुबह से घर पर दिखाई नहीं दिए। वो मम्मी एक जरूरी मीटिंग में। मम्मी मीटिंग? जी जी। कौन सी मीटिंग आहिल? अच्छा ये सब छोड़ो, वो सनम भी ना सुबह से दिखाई नहीं दे रही है, क्या तुम्हारे साथ गई है? नहीं बिल्कुल नहीं अम्मी। वो मेरे साथ मीटिंग में क्या करेगी? I'm busy with some clients अम्मी। मैं जस्ट खत्म करके आपको फोन करता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, जल्दी वापस घर आना, वो हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओके अम्मी। यह है रेडियो भोजपुर और आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि योगेश को। भोजपुर रेडियो, इसका मतलब आहिल भोजपुर हिल साइड पर गया है। लेकिन वो वहां सनम को क्यों लेकर गया? हाया, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? क्या तुम मुझसे भाईजन, आप हया से निकाह कर लीजिए। अगर आप हया से निकाह करके उसे तलाक दे देंगे तो मैं उसे दोबारा निकाह कर पाऊंगा। मुझे माफ कर देना हया। एक बात बताइए, यहाँ अंदर बैठे क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली मैं, प्लीज बाहर आइए और देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। Really? आइए ना।
मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी आपसे कुछ कहना है यहाँ। कहो। पहले आप। पहले तुम। आहिल, आपने आपने बात शुरू की थी। पहले तुम। आहिल कहिए ना। पहले तुम। आपने बात शुरू की थी ना, आप बताइए। जब बात तुमने शुरू की है अब तुम ही कहोगे। आप जितना जल्दी बताएंगे मैं भी उतनी जल्दी कह दूंगी। आए लव सॉरी। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो What are you doing here? मुझे पता था कि तुम यहीं होगे हमेशा की तरह, तो हमने सोचा हम भी आ जाए। हम? Who's this हम? जी आंटी, आपका काम हो गया है, हम यहाँ पहुँच गए हैं और वो भी यहीं पर है। तुम लोगों को पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? जी आंटी। What are you guys doing here? Hi. It's all right. Hi. Wow. बहुत pretty है आहिल। वैसे है कौन ये? तुम्हें पता है हम लोगों ने यहाँ बहुत सी पार्टियाँ की हैं। Wild nights, you know. Drinks and fruit का है यार। What?
One second. यहाँ पर कोई पार्टी नहीं हो रही है. Understand that? और यहाँ मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ. What? वाइफ? Absolutely. मेरी बेगम. सनम आहिल रजा इब्राहिम. आहिल और वाइफ. OMG. आई मीन अगर आहिल हस्बैंड बन सकता है तो कोई कुछ भी बन सकता है. वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम हस्बैंड टाइप्स हो. एंड एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वी आर सो सॉरी. हमें नहीं लगा था कि तुम अपनी वाइफ के साथ हो. You know what? वक्त आ गया कि अब तुम दोनों दूसरी पार्टी ढूंढो. अंडरस्टैंड दैट? अब चलो, कम ऑन, टाइम टू लीव प्लीज. ऑलराइट. तुझे क्या लगता है, तू हमसे ज्यादा चालाक है? अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू बिल्कुल सही है. क्या मैं, हम तो इधर चिल्लर पे हाथ साफ करने को आया था और तुम तो करोड़ों की जायदाद पे हाथ साफ कर लिया. क्या बोल के रहे हैं आप दोनों, सीधे से बताइए क्या बात है. कम ऑन मैन, हम सब समझते हैं तुम बिल्कुल सही बोला था. मैं रेहान से कोई प्यार व्यार नहीं है. अरे तुम तो नाटक कर रहा है उसको अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए, ताकि थोड़े दिनों में वो तुमसे शादी बना ले और फिर कुछ दिनों के बाद तुम उसको डिवोर्स देके उसका करोड़ों का जायदाद एलिमनी में हड़प ले. प्योर वाइट मनी, इतना लीगल पैसा, क्या ब्रिलियंट आइडिया है. अब हमें केयरफुली काम करना होगा. बिल्कुल, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए. डोंट वरी, हम दोनों ना सब कुछ संभाल लेगा. दिमाग खराब है क्या, क्या समझते कि आप दोनों खुद को, हाँ तब से बकवास किए जा रहे हैं. जिस दिन से आया मेरा जीना मुश्किल करके रखा हुआ है. एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप, मुझे डराने का कोई फायदा नहीं है. क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप मुझे रोज रोज नई धमकियां देंगे और मैं रोज रोज डरती रहूंगी. मुझे कब क्या और क्यों करना है इसका फैसला मैं खुद कर सकती हूं. और हाँ, ये बोल के तो मुझे दोबारा कभी मत डराना कि तुम लोग मेरी असलियत रेहान को बता दोगे. क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे ना तो बचोगे तुम दोनों भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे बारे में भी बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है. और फिर सब मिलके जेल में टाइम पास करेंगे, समझे. क्या है, क्या सुनहरी में क्या कर रही है ये? बोला ना कि मुझे तंग करना बंद करो. चुप है, तेरी बेटी बेटी नहीं हूं मैं. मेकअप की दुकान आइटम कहेगी, निकल यहां से, निकल मैं? निकल यहां से. क्या मैं है? क्या मैं और तुझे सुनाई नहीं दे रहा? अरे लेकिन हम तो तुम्हारे पार्टनर्स हैं. पार्टनर हो तो मेरे शक्ल देखी आपने. अभी इसी वक्त मैं ये डिक्लेयर करती हूँ कि तुम दोनों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं. अब ज्यादा किटकिट की ना तो डायरी और पेन पकड़ के ना जेल में भिजवा दूंगी, वहीं पे बैठ के शादी करना. अरे ये, निकल यहां से, तू निकल, चल तू तो पहले निकल, चल टंकी कहीं की, निकल निकल. अरे अरे हटा, लग जाएगा. अरे ओए बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी. हां देखना तेरा बॉन्डा बहुत जल्दी फूट जाएगा. फिर रेहान ना तेरे को धक्के मार के निकाल देगा. हॉपुन के पास ही आना पड़ेगा तेरे को. अरे तू कितने भी रंग बदलने लेके, हे तो तू चोर ना हो गया तेरा बोल के. तू निकल रही है कि मैं तेरे को बताऊं ये चाकू कैसे लगता है. अरे जा, अरे लग जाएगा चाकू. दरवाजा खोल, निकल यहां से. चलो 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 मुझ पे चाकू भागो यहां से. हाँ ये सच है कि मैं एक चोर हूं, लेकिन ये भी सच है कि मैं अपनी सच्चाई को पीछे छोड़ना चाहती हूँ, इसे बदलना चाहती हूँ. इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं रेहान को अपने गुजरे हुए कल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी. मैं अपना आज, अपना आने वाला कल खुद बनाऊंगी.
मैंने कुछ कहा आहिर? ये सब जो भी कुछ था आपका अतीत था। गुजरे हुए कल में तुमने क्या किया, तुम कैसे थे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझे इस बात से पड़ता है कि आप आज इस वक्त मेरे साथ हैं। I promise you, जो मेरा अतीत था ना वो अतीत में ही रहेगा, वो कभी भी आज का हिस्सा नहीं होगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। You know, मुझे लगा कि तुम्हें इस बात को लेकर बहुत शौक लगेगा। मुझे लगा शौक? शौक लगा? मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है। मतलब आज से पहले भी मैं आपकी बहुत सारी सहेलियों को मिल चुकी हूँ, तब से लेके आज तक मुझे ये बात समझ में आ चुकी है कि लड़कियों के मामले में आपकी चॉइस बहुत ही। I don't think so. देखिए, अगर आपने ये बात नोटिस नहीं की तो इसका मतलब आपने शायद उन लड़कियों को कभी ठीक से देखा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह माफ करे, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन किसी की नाक टेढ़ी थी, किसी की आंखें बहुत अजीब सी थी, थोड़ी सी मोटी थी कोई, कोई नाटी। ओके ओके ओके, ऑल राइट, यू नो व्हाट, तुम एक चीज में गलत हो। सारी लड़कियों के मामलों में मैं मेरी चॉइस गलत नहीं हो सकती, बीवी के मामले में बहुत ही लकी हूं। कैसे लगा तुम्हें सनम द ढाबा? सो द नेक्स्ट प्लान इज टू हैव चेन ऑफ सनम द ढाबा रेस्टोरेंट्स। आ गए तुम लोग? बात कहें आहिल बेटा, कहते हैं कि वक्त और हालात के साथ अक्सर आदतें बदल जाया करती हैं, पर हम भी महसूस कर रहे हैं कि आजकल तुम वैसा कर रहे हो जैसा पहले कभी नहीं किया करते थे। जैसे कि तुम्हारा हमसे झूठ बोलना, कि तुम कहां और किसके साथ थे। अम्मी नहीं, वो बात नहीं है एक्चुअली। कोई बात नहीं आया बेटा, हमने आज तक तुमसे कोई सवाल नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। वो तो एक बहुत जरूरी बात कहनी थी तुमसे। प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार हो गए तो हम चाह रहे थे कि तुम दोनों अगर दस्तखत कर दो तो। अभी अम्मी? हाँ अभी। क्यों, अभी भी कोई जरूरी काम बाकी है? नहीं, वो दरअसल बात ये। आहिल बेटा दस्तखत कर दो, क्योंकि इसके बाद हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तलाक के पेपर्स तकरीबन तैयार हो गए, 2-3 दिन में मिल जाएंगे।